नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 11 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश देश होने की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली, बड़े निर्णय आज हो सकती है। कोरोना कर्फ्यू और बसों को चलाने को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ ही प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मांगों को लेकर सरकार मंथन कर सकती है, बड़े फैसले उस पर हो सकते हैं। पूरी जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए। तो क्या कुछ आज की बड़ी खबरें, पूरी जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए, तो वीडियो को लाइक करें और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, कृपया आप अपने दोस्तों के साथ भी उसे साझा किया करें, शेयर किया करें, ताकि उनको भी जानकारी अपडेट्स मिलते रहे। फेसबुक पर आप ईएन हिंदी समाचार नाम से एक हमारा पेज है, उसको आप लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। फेसबुक पर भी आप न्यूज देख सकते हैं। वैसे आज की सबसे बड़ी खबरें, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में ढील देने सहित इन मुद्दों पर निर्णय ले सकती आज सरकार। हिमाचल प्रदेश में 14 जून प्रातः 6 बजे तक लगे कोरोना कर्फ्यू में ढील देने सहित अन्य विषयों को लेकर आज होने वाली मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। इसके तहत कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की पूरी संभावना, ताकि सरकारी कामकाज के साथ आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से पटरी पर लाया जा सके। इसके लिए प्रदेश में बिना पंजीकरण प्रवेश की अनुमति देने और सार्वजनिक परिवहन सेवा को सशर्त शुरू करने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। इसी तरह सरकारी कार्यालयों में 50% स्टाफ बुलाने को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर भी हो सकती है चर्चा। मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रेजेंटेशन देगा। इसमें जिलावार स्थिति का आंकलन किया जाएगा और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गए निर्णयों की समीक्षा होगी। प्रदेश में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान की वास्तविक स्थिति से भी मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा। साथ ही शिक्षण स्थानों में चल रही ऑनलाइन स्टडी सहित कुल स्तर की परीक्षाओं को लेकर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि फिलहाल शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की संभावनाएं कम है। धार्मिक स्थलों को आगामी दिनों में खोलने को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। वही निजी बस ऑपरेटरों की मांगों पर भी बैठक में फैसला हो सकता है। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की ओर से निजी बस ऑपरेटरों का विशेष रोड टैक्स और टोकन टैक्स माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। ऐसे में सरकार इस पर फैसला ले सकती है। परिवहन विभाग द्वारा जो प्रपोजल तैयार किया गया है, उसमें 30 दिसंबर 2020 तक 100% टैक्स माफ करना, जनवरी फरवरी और मार्च का 50% टैक्स माफ करना शामिल है। मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर ही लेंगे आगामी निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य में कोरोना कर्फ्यू के कारण लगी बंदिशों पर मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगाई गई बंदिशों सहित अन्य विषयों को लेकर विभिन्न संगठनों ने उनसे मिलकर अपना पक्ष रखा है। ऐसे में सभी पक्षों को सुनने एवं मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, फर्जी चिट्ठी लिखने वालों की होगी तलाश, करेंगे सख्त कार्यवाही। दो नेताओं के खिलाफ एक फर्जी पत्र जारी करने के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें हर रोज ऐसे एक नहीं बल्कि कई पत्र मिलते रहे हैं। किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी कोशिशें की जाती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी में हिम्मत है तो सामने आकर अपने नाम और पते के साथ लिख के तो जाँच करवाई जाएगी। बस ऑपरेटरों के टोकन और विशेष रोड टैक्स माफी की तैयारी, 1500 रूटों पर दौड़ेगी बसें। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक मार झेल रहे निजी बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जयराम सरकार बड़ी राहत दे सकती है। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में बस ऑपरेटरों को पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक का टोकन टैक्स और विशेष रोड टैक्स माफ या छूट दी जा सकती है। कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है, चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है। वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कम ब्याज पर सरकार ऋण योजना दे सकती है। इंटरेस्ट सर्विस स्कीम में होटल कारोबारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी शामिल किए जाएंगे। उधर कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए सरकार पहले चरण में प्रदेश में 1500 रूटों पर बसें चलाने की स्वीकृति देगी। इसके अलावा कुछ और रियायतें भी मिल सकती है। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते बसों का संचालन नहीं हुआ है, बाद में भी 50% सवारियों के साथ बसें चलने की स्वीकृति मिली। इससे ऑपरेटरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने टैक्स माफी की मांग की थी। अब ऑपरेटरों को राहत देने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किए गए, उसमें पिछले साल अगस्त से लेकर मार्च 2021 तक के टोकन टैक्स व विशेष रोड टैक्स माफ करने और नए वित्त वर्ष के 3 महीने के विशेष रोड टैक्स में 50% छूट देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सरकार इंटरेस्ट सर्विस स्कीम, कम ब्याज पर ऋण योजना में ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी शामिल किए जाएंगे।
योजना के तहत कम ब्याज पर इन लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में सहकारिता और पर्यटन विभाग इसको लेकर प्रस्ताव लेकर आएंगे। इसमें होटल कारोबारियों के लिए सरकार ने 11% ब्याज पर 4 साल के लिए ऋण देने की योजना चलाई है। 25 जून के बाद कोजो में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में आज होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कोजो में 25 जून के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। 11 जून यानी आज होने वाली मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। कॉलेज के अधिकांश शिक्षकों, बच्चों के अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की मांग की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और विद्यालय प्रबंधन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान अधिकांश ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की पहल भी की थी। इसको लेकर बुधवार को शिक्षा विभाग ने सरकार को 25 जून के बाद परीक्षाएं करवाने की मंजूरी देने के लिए प्रस्ताव भेजा है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि हम परीक्षाएं करवाने के लिए तैयार है। उधर शिक्षा मंत्री ने बताया कि 11 जून यानी आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे। सरकार की मंजूरी के बाद अंतिम फैसला लेंगे। सीएम जयराम बोले, मक्की का MSP 1850 से बढ़ाकर 1870 रुपए किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी निर्धारित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गत दिवस नई दिल्ली में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। पिछले वर्ष की तुलना में धान का MSP 1868 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1940 रुपए किया गया, जबकि ए ग्रेड धान का मूल्य 1888 से बढ़ाकर 1960 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मक्की का MSP 1850 से बढ़ाकर 1870 रुपए किया गया है। किसानों को इन फसलों को व्यापक स्तर पर उगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने के लिए श्रेष्ठ तकनीकों तथा कृषि अपनाने के लिए सभी बीजों, दालों तथा मोटे अनाज के लिए MSP को दोबारा निर्धारित करने के लिए गत वर्ष के दौरान ठोस प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस वर्ष नवंबर तक पात्र परिवारों को निशुल्क राशन देने का निर्णय लिया है। इस योजना से प्रदेश के 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो गए। टेट उम्र भर मान्य करने का राज्य को NCT ने जारी किया पत्र। अध्यापक पात्रता परीक्षा उम्र भर के लिए मान्य करने को लेकर नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन ने राज्य को लिखकर निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते सप्ताह शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को मंजूरी देते हुए इसे उम्र भर के लिए मान्य करने का फैसला लिया था। अभी तक 7 वर्ष के लिए टेट पास उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र थे। केंद्र सरकार से मिली छूट के बाद अब बार बार टेट पास नहीं करना पड़ेगा। 11 फरवरी 2011 के बाद टेट पास करने वालों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। प्रदेश के लाखों लोग इस फैसले से लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश में इस फैसले को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव बनाने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। अभी तक टेट पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था। केंद्र और राज्य NCT नियमों से टेट करवाते हैं। केंद्र सरकार के लिए CBSE और राज्य अपनी परीक्षा खुद करवाते हैं। बड़ी खबर, हिमाचल में बढ़ेंगे प्री प्राइमरी स्कूल, विद्यालय में अकादमिक विभाग भी होंगे शुरू। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के विद्यालयों के लिए अकादमिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। बाल्य शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के और विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा को लागू किया जाएगा। बहुविषयक विद्यालय बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश विद्यालय में और अकादमिक विभाग की स्थापना की जाएगी। पिछले 3 वर्षों में विद्यालय में 11 नए विभाग शुरू किए गए। गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित टास्क फोर्स की वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं जीवन मूल्य पर आधारित नीति है। हिमाचल में एक हफ्ते पहले दस्तक देगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून एक हफ्ते पहले दस्तक देगा। आमतौर पर हिमाचल में मानसून के पहुंचने का समय 25 जून तक रहता है, परंतु इस बार मानसून 25 जून के पूर्व प्रदेश में आ जाएगा। शिमला के मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से हिमाचल में प्री मानसून सोबर शुरू हो जाएंगे। अगर बारिश लगातार होती रही तो हिमाचल में मानसून 20 जून से पहले पहुंच जाएगा। बता दें कि हिमाचल में गुरुवार दोपहर बाद कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश में 11 जून से लेकर 13 जून तक अलर्ट जारी किया गया है। 11 और 12 जून को हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट और 13 जून को प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 13 जून को प्रदेश के 4 जिलों शिमला, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा में ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अलर्ट के चलते प्रदेश में भारी बारिश और तूफान चलने की चेतावनी जारी की गई है। भूस्खलन, पेड़ गिरने, जलस्तर बढ़ने जैसी घटनाएं हो सकती है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा था, उमस भरा मौसम बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान ऊना जिले में दर्ज किया जाता है। 9 जून की रात ऊना जिले में सबसे गर्म रात रही। जिले में 9 जून को सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया था। ये तापमान सीजन में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। इससे पहले ऊना जिले में 11 जून 2013 को ये न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया था। ऐसे में कह सकते हैं कि ऊना जिले में न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड टूट चुका है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बड़े हुए तापमान से राहत मिलेगी, साथ ही प्राकृतिक स्रोतों को भी संजीवनी मिलेगी। मारपीट मामले की छानबीन करने गए पुलिस व होमगार्ड कर्मी से हाथापाई, वर्दी फाड़ी। खबर बिलासपुर से। थाना बरमाना के तहत आने वाले डावर गांव में मारपीट किए जाने की शिकायत पर छानबीन करने पहुंचे पुलिस कर्मी व होमगार्ड के जवान के साथ एक व्यक्ति ने न केवल हाथापाई की बल्कि पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी नमहोर को गत दिवस डावर गांव से एक व्यक्ति ने फोन किया था कि उसका बेटा उसके परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जिस पर नमहोर पुलिस चौकी प्रभारी ने कांस्टेबल विनोद कुमार और होमगार्ड के जवान महेंद्र को मौके के लिए रवाना किया। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस कर्मी और होमगार्ड का जवान वहां पहुंचे तो पुलिस को सामने देख तो वे गुस्से में आ गया और उसने कांस्टेबल व होमगार्ड के जवान के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस हाथापाई से जहां पुलिस कर्मी की वर्दी फट गई, वहीं होमगार्ड के जवान के नाक पर चोटें आई है, जिस पर थाना बरमाना में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 353 व 332 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। DSP बिलासपुर राजकुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस मामले की छानबीन मुख्य आरक्षी हेमराज द्वारा की जा रही है। केंद्र की राज्य सरकार को सलाह, फ्रंटलाइन वर्कर की दूसरी डोज के लिए बनाए योजना। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों में टीकाकरण के लिए निम्न स्तर खास तौर पर दूसरी खुराक के मामले को गंभीर चिंता करार देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वीरवार को सलाह दी है कि वे प्राथमिकता वाले समूहों को दूसरी खुराक देने पर ध्यान केंद्रित करें, इसके लिए प्रभावी योजनाएं बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक टीकाकरण में प्रगति के लिए केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में राज्य के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस दौरान रेखांकित किया गया कि 82% स्वास्थ्य कर्मचारियों HCW को ही टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि दूसरी खुराक के मामले में ये संख्या 56% है। बयान के मुताबिक पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, असम सहित 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के समूह के टीकाकरण का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। बयान में कहा गया कि अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों में 85% को टीके की पहली खुराक दी गई है, लेकिन दूसरी खुराक केवल 47% कर्मियों को दी गई है। इसके मुताबिक बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब सहित कुल 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जहां पर अग्रिम मोर्चे के कर्मचारियों को दूसरी खुराक देने का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दोहराया कि महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा की रक्षा व इस समूह के सार्वभौमिक टीकाकरण जरूरी है एवं लाभार्थियों की पूर्ण सुरक्षा के लिए समय पर टीकाकरण अहम है। राज्यों से कहा गया कि वे स्वास्थ्य कर्मचारियों और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरी खुराक सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाएं। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 16 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 533 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 16 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 5, मंडी 4, शिमला 2, जबकि चंबा, सोलन, कुल्लू, सिरमौर और ऊना में एक एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 533 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए, इनमें से मंडी जिले में 104, चंबा 86, कांगड़ा 70, शिमला 44, ऊना 40, हमीरपुर 41, सिरमौर 36, बिलासपुर 29, सोलन 24, किन्नौर 25, कुल्लू 28 और लाहौल स्पीति में 4 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 862 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 197,438 पहुँच गया है। इनमें से अब तक 187,734 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर अब 6,338 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,342 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 22,799 लोगों के सैंपल लिए गए।
प्रदेश के 11 जिलों में सक्रिय मामले 1000 से नीचे आ गए हैं। कांगड़ा जिले में अब 1000 से अधिक सक्रिय केस है। जल शक्ति विभाग में 2322 पद भरेगी हिमाचल प्रदेश सरकार, आज की कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार जल शक्ति विभाग में शीघ्र ही 2322 पद भरेगी। कैबिनेट बैठक में भी इस मामले को मंजूरी के लिए शुक्रवार को लाया जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। प्रदेश में जल शक्ति विभाग के करीब 500 पेयजल योजनाओं और 50 सिंचाई योजनाओं की देखभाल और इन्हें सुचारू चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण दिक्कतें आ रही है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने 2322 पैरा वर्कर के पद भरने की कवायद शुरू कर दी है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इन पदों को भरने का मामला कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। इन कर्मचारियों की तैनाती पेयजल और सिंचाई योजनाओं में की जानी है।